नागराज के पिछले विशेषांक खलनायक नागराज के साथ मुफ्त दी गई रक्षक नागराज भाग एक की भी सीडी में आपने इस सीरियल का प्रथम भाग देखा। अब पेश है उसका दूसरा भाग जो आपको नागराज के विशेषांक सम्राट के साथ मुफ्त दी जा रही है। राज कॉमिक्स एंड फिल्म्स कंबाइंड प्रेजेंट्स रक्षक नागराज भाग दो। संसार की हर चीज मेरे वश में होगी, मेरे हर इशारे पर सारी दुनिया नाचेगी। यादरस मेरा राज होगा, मेरा राज। यादरस मेरा राज होगा, मेरा राज। एक्शन यार, इसको कुछ करो। ये शाम तो बहुत सुस्त है यार, इसे शॉट कैसे लेंगे? इसका फन वन तो फैलाओ। साहब ये सांप बड़ा तेज है, माहौल देख के डरा हुआ, मैं अभी इसका फन खा लाता हूं। Thank you.
मैडम है क्या? अरे कौन मैडम? कैसी मैडम? अरे बोल जाओ मैडम, तुम भागो। हाँ भागो, चलो भागो। उसी में साहब कुछ आया था, फिर करने नहीं मेरे का। अरे साहब, साहब। ए ए ए। साहब से डरते हो क्या? तुम नहीं डरते हो क्या? भागो। मैं नहीं डरता। अगर मैं राज नहीं होता ना तो नागराज। अरे तो पल्ले नागराज तो आ गया। अरे साहब मैं नहीं उतरूंगा आपको बाहर निकालिए मैडम। राज साहब इसे काट सकता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना अच्छा सांप कैसे बन गया? अरे ऐसे खतरनाक जीवों को तो स्टूडियो में लाना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे खतरों से तो हमें मुकाबला करना चाहिए डटकर। जैसे तुम्हारे साथ टेबल पर चढ़कर। आप सब अपने टेबल पे जाइए और मिस्टर लाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सांपों को देखकर टेबल पे कब से बैठे? करना पड़ता है भारती, अगर नागराज सांपों के साथ रहता है तो राज को सांपों से डरना बहुत जरूरी है, वरना मेरा भेद भेद नहीं रहेगा। खैर आप सवेरे सवेरे मुझे क्यों बुला लिया? वो कुछ नए प्रोग्राम्स आए थे, उस पर तुम्हारी राय लेनी थी। कमाल है, बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है इस नाचीज को। नाचिस तो मैं हूँ राज, भारतीय कम्युनिकेशन के असली मालिक तो तुम हो, इज्जत तो तुमने बख्शी है मुझे, इसकी मालकी मत। ओहो भारती, फिर वही बात, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। खैर अभी काफी वक्त है, चलकर प्रोग्राम देखें। शक्तियों का आभास हो रहा है, लगता मैं सही जगह आ गई। Thank you.
मिल गई मुझे एक ऐसी जगह जहाँ से दूसरी दुनिया का दौर खुलता है, जहाँ पे सांप की शक्तियां बात करती हैं। परंतु दौर खोलने के लिए मुझे खास चीज की जरूरत है, और वो खास चीज है 100 बच्चे। हाँ, मुझे 100 बच्चे। मुझे ये देखना है कि पास में से कौन सी जगह है जहाँ मुझे 100 बच्चे। दौर खोलने के लिए यही जगह मिली थी, बच्चे तो मुझे उठाने है ही, लेकिन बच्चों को उठाने के लिए मुझे अपने तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आओ मेरी तंत्र मिट्टी से बने नाग मानो सरसरी और खुशकार, अब तुम्हारी नसों में मेरा विष दौड़ने लगेगा। जिंदा हो तो जो तुम जिंदा आपने हमें जीवन दान क्यों दिया है? मुझे बच्चे चाहिए, 100 बच्चे। इतना आसान काम 100 नहीं। हम 100 नहीं, 200 लाएंगे, उसमें से आपके मतलब के छाट देना। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पे मानव नहीं बल्कि विशालकाय सरीसृप रहा करते थे। क्या कोई बता सकता है उस काल को क्या कहते थे? मैं बताऊं मिस? और बताओ। उस काल को जुरासिक काल कहते थे। वेरी गुड, अच्छा। थैंक यू मिस। मिस, मिस सरीसृप कौन होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कोई बता सकता है सरीसृप कौन होते हैं? मैं बताऊं मिस? हाँ रीमा बताओ। सरीसृप प्राणियों का एक वर्ग होता है, उस वर्ग में डायनासोरों के साथ साथ छिपकली और सांप जैसे जीव भी आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड रीमा और यश, तुम लोग हमेशा सारे जवाब सही देते हो। वेरी गुड मिस। मिस छिपकली और सांप को भी बोर्ड पर बना दीजिए ना। सांप को देखना चाहते थे ना सपोलो, तो देख लो। डरते क्यों हो? आराम से चलना हमारे साथ, उत्तार और सरसरी तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। चलो ना सपोलो। सरसरी जब सरसराती है तो उससे बचकर कोई भी भाग नहीं पाता, मैं तो चीते को भी पकड़ कर खा जाती हूँ। हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो यश, उसका तो तुम तो इस सरसरी को मैं सरसा देती हूँ, लेकिन जरा संभल कर, दोनों बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पकड़ोगे? आजा, मुझे पकड़ ले। बहुत जल्दी है तुझे पकड़े जाने की, पहले तुझे नहीं पकड़ता। आओ सरसरी, मुझे नहीं पकड़ोगे? आओ
इंतजार कीजिए नागराज के नए विशेषांक सौ डांगी का, जिसके साथ आपको मुफ्त मिलेगी रक्षक नागराज भाग 3 की VCD।